2069 YouTube Shorts ने पूरी दुनिया पर कब्जा कर लिया है। Hey, space में shorts बनाना illegal है, पकड़ो उसे। इस वायरस ने सारे क्रिएटर्स पर कब्जा कर लिया है। अब कोई भी ओरिजिनल या लंबी वीडियो नहीं बनाता है। जो भी अच्छी या लंबी वीडियो बनाने की कोशिश करता है उसे घुसेंड मार दी जाती है। ओए तू बस करेगा तेरा रोना, अब हमें भी घुसेंड पड़ी है, हम तो रोना नहीं कर रहे। मुझे सिर्फ तुम लोगों की वजह से ज्यादा घुसेंड खानी पड़ी। ब्रो देख, नहीं मैं नहीं देखूंगा, तुम लोग ने मेरे आने पर गेट बंद कर दिया था। जॉर्जी भाग, जॉर्जी जल्दी भाग। बच गए भाई, बच तो गए, लेकिन ब्रैड कहाँ है? खोलो, मुझे तो अंदर आने दो। मुझे मेरी नंगी पीठ पे घुसेंड की बरसात लेनी पड़ी। अच्छा सॉरी, लेकिन तू ये सब लिख क्यों रहा है? जब इस दुनिया से शॉर्ट्स का आतंक चला जाएगा, मैं मेरी स्टोरी यूट्यूब पर डाल के अमीर हो जाऊंगा। यो, मैंने यूट्यूब से $1 कमाया। यो, अब इस डॉलर से हम सिगरेट फूंक सकते हैं। जॉर्जी, पहली बात तुम्हारा ये यो बोलना बंद करो, और दूसरी बात तुम लकड़ियां नहीं ढूंढ के लाए अभी तक जलाने के लिए। यो यो में क्या दिक्कत है वैसे? श्यामा मामा मू मू, इसके बारे में क्या ख्याल है? अच्छा ठीक है, बाद में। और तुमने मुझे बताया क्यों नहीं ये लकड़ियां आग जलाने के लिए? मुझे लगा आज हम यही खाने वाले हैं। नाइस एक्टिंग भाई, नाइस एक्टिंग। बढ़िया भाई, बढ़िया बढ़िया, अच्छा किया। ओ हेलो, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, हम कैरेक्टर इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। ये है मेरा दोस्त जॉर्जी। हेलो। और ये है ब्रैड। ये ब्रैड। भाई ब्रैड, कितनी बार बोला ये अजीब सी आवाजें मत निकाला कर। एनीवेज, और ये है मेरा कैरेक्टर व्हाटएवर। तो ये सब स्टार्ट हुआ था 2025 में, जब सूजन वाकिना की अपने पंटरलोक के साथ कैरी मिनाती के घर उसे विश करने गई थी। लेकिन कैरी ने सूजन और उसके पंटरलोक का विश ही एक्सेप्ट नहीं किया। तो कैसे हैं आप लोग? सूजन और उसके पंटर लोग को ये चीज बिल्कुल पसंद नहीं आई। उन्होंने एक मीटिंग बिठाई। कैरी खुद को बहुत ज्यादा ओवर समझने लग गया है, इसका कुछ करना ही पड़ेगा। इसलिए आज से हम बस यूट्यूब शॉर्ट्स को प्रमोट करेंगे, जिससे कि इसका धंधा चौपट हो जाएगा। मैम, इसी बात पे हमने कैरी के लिए जो मिठाइयाँ खरीदी थी वो खा लूँ क्या? ठीक है गोटे लाल। यूट्यूब शॉर्ट्स की वजह से सारे यूट्यूबर्स नंगे हो रहे थे। मिस्टर बीस्ट को अपने दिए हुए पैसे वापस लेने पड़ रहे थे। टेकिंग माय $1 million बैक फ्रॉम रैंडम स्ट्रीमर्स। कैरी मिनाती भी रोड पर आ गया था। एक कहानी है जो सबको सुनानी है, जलने वालों की तो रूह भी जलानी है। ए, ये कहानी सुनाने वाला फिर से आ गया बस के अंदर बिना टिकट के, पकड़ो साले को। लेकिन मैं और मेरे दोस्तों ने डिसाइड किया, हम लोग मिलके सूजन का संडिलोमीटर, जिससे कि पूरा शॉर्ट सिस्टम चलता है, वो तोड़ देंगे। छी, ये क्या बकवास वीडियो है? हटा देता हूँ इसे। क्या तू मेरा वीडियो हटा रहा है? हाँ तो तुझे पता भी है वो चीज कितनी मेहनत से बनाई है मैंने? 2 दिन की क्लास छूटी थी मेरी। व्हाटएवर, मुझे तो यूट्यूब शॉर्ट्स पसंद है। हाँ, इसी चीज की तो आज मैं बात करने आया हूँ। YouTube Shorts, मोर लाइक तुम्हारे डेली रूटीन के काम। बस तुम्हें उन चीजों को रिकॉर्ड करना है। तुम दीवार पर खाली हथौड़ा ठोक रहे हो, यह है YouTube Shorts। तुम उस हथौड़े से खिल्ली ठोक रहे हो, यह है YouTube Shorts। तुमने उस हथौड़े से अपना सर फोड़ लिया, यह है YouTube Shorts। और एम्बुलेंस भी। टू बी ऑनेस्ट, मुझे इस YouTube Shorts से कोई खास ज्यादा दिक्कत नहीं थी, मगर अब ये हर जगह ही दिख रहा है। अच्छे कॉन्टेंट से ज्यादा ये चीजें प्रमोट हो रही है। अब अगर कोई चीज तुम्हें हर जगह दिख रही है तो तुम उसको खोल के देखते हो और फिर तुम देखते ही जाते हो। मैंने सुबह 9 बजे यूट्यूब पर एक शॉर्ट देखा था, उसमें एक आदमी हथौड़े से खिल्ली ठोकना सिखा रहा था। मैंने वो देखा और अभी रात के 3 बज रहे और मैं यूट्यूब से घर बनाना सीख रहा हूँ, वो भी सिर्फ 15 सेकंड में। क्योंकि ये चीज ही ऐसी है, तुम्हारा टाइम कहाँ निकल जाएगा तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। खैर, यूट्यूब शॉर्ट से मैंने एक चीज तो सीख ली है, तुम इस पर कुछ भी पोस्ट कर सकते हो, कुछ भी। देखा, तुम कुछ भी पोस्ट कर सकते हो। अब इनमें से कुछ शॉर्ट्स इतने अजीब होते हैं ना। एक दिन रात में मैं 2 बजे अपने रूम में पड़ा हुआ था। मैं बस अपने बिस्तर पर पड़ा हुआ था, मुझे ये भी नहीं पता था मैं जिंदा हूँ या नहीं। मेरे अस्तित्व का इस दुनिया में होना मैटर करता है भी या नहीं, मेरा फ्यूचर में जाके कुछ होगा भी या नहीं। बट फिर मेरे मन में एक बात आई, चलो थोड़ी देर यूट्यूब चला लेता हूँ, फिर पानी पी के सो जाऊंगा। तो जैसे ही मैं यूट्यूब खोलता हूँ मेरे फोन में, मुझे एक शॉर्ट रिकमेंड होती है। उस शॉर्ट में एक बंदा होता है, वो जमीन खोदता है, वो उस गड्ढे में फैंटा और कोको कोला दोनों डाल देता है और मेंटोस की गोलियां डाल देता है, और ये सब काम करते करते साथ में वो अजीब सी आवाजें भी निकालता है। ये ना सांबा मोए उसकी टीम इंडिया लवस की टीम। एंड गेस व्हाट,
उसमें से लिटरली सांप और मछलियां निकली। अब YouTube Shorts हम जैसे छोटे क्रिएटर्स को ज्यादा अफेक्ट करता है। YouTube Shorts ज्यादा प्रमोट करके हम हमारी एक वीडियो में इतनी ज्यादा क्रिएटिविटी और एफर्ट्स लगाते हैं। खुद की आवाज को कितने कितने दिन बैठ के सुनना पड़ता है। खुद की आवाज को पहले 10 घंटे तक सुनो और फिर उसको एनिमेट भी करो। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले बिल्कुल नहीं स्टॉप इट फादर, हमको लगता है इस पे किसी बुरी आत्मा ने कब्जा कर लिया है। रात में भी ऐसी हरकतें करता रहता है। मुझे नींद नहीं आ रही, मुझे कॉफी चाहिए। आई वॉन्ट कॉफी। ओह, तुम्हें भी कॉफी चाहिए लेकिन तुम्हें नहीं मिलेगी, तुम्हें अपनी खुद की बनानी पड़ेगी। फादर आप कुछ जल्दी इंतजाम करिए। मैं जल्द से जल्द इसको लेके जाता हूँ। इन द नेम ऑफ होली फादर स्पिरिट। ओए साले लुंगी वाले, तू ही है ना जो मेरे सपनों में आता है। ब्लेस दिस चाइल्ड। ओए लुंगी वाले, मेरी बात का जवाब दे। तुम कौन हो? मैं पैरेलल यूनिवर्स से बचाने आया हूँ तुमको। क्या? अरे पैरेलल यूनिवर्स पता नहीं है क्या? अच्छा ठीक है ठीक है। वो देखो उसने तुम्हें देख लिया। ए तुम अंदर कैसे आए? तुम भाग जाओ यहाँ से। अच्छा ठीक है फादर। हाँ बोलो। हे तुमने अपने बारे में वैसे क्या बताया था? अरे मैं पैरेलल यूनिवर्स है। ठीक है जो भी है, मैं तो बस ये बता रहा था कि मैं ये पिज्जा ले रहा हूँ। थैंक यू फॉर द पिज्जा। अब देखो मैं ये नहीं कहूंगा कि YouTube Shorts ने YouTube को भी TikTok बना दिया है, क्योंकि कुछ Shorts अच्छे भी है YouTube पर, और वो Shorts कैसे होते हैं वो मैं वीडियो के एंड में बताऊंगा। अब इस YouTube Shorts का मैं रियल लाइफ में तो कुछ कर नहीं सकता, लेकिन इस वीडियो में मैं और मेरे दोस्त मिलके सूजन का संडिलोमीटर तोड़ देंगे। ब्रो लेकिन संडिलोमीटर की लोकेशन तो पता ही नहीं है। हाँ तो दोस्तों मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद। This program is brought to you by Pawn Stars. ओजी वेलकम है आपका Pawn Stars में। हमें जो भी दिखता है हम सीधा बेच देते हैं। जैसे माँ के कंगन, बाप की मूर्ति, नई पुरानी चीजें हम सब कुछ बेच देते हैं। ये है पापा जी, ये जैसे ही पुराने होंगे हम इन्हें भी बेच देंगे, क्योंकि जी पुरानी चीजें तो हम रखते ही नहीं, धंधा हमेशा बढ़ते रहना चाहिए। ये है मेरा बेटा, जब मैं पुराना होगा ये भी मुझे बेच देगा। तो आप भी आइए Pawn Stars पर अपनी नई पुरानी चीजें लेके पान वाले मनी की दुकान के साइड से। तो ब्रेक के दौरान हमें पता चला कि संडिलोमीटर पफ टॉक्स के घर के पीछे छुपा हुआ है। आंटी पफ है क्या घर पे? ये तुम लोग श्योर हो वो चीजें यहीं पर है? अबे हाँ पफ, टेंशन मत ले, यहीं पर है वो। तुम पक्का श्योर हो ना? मैंने यहाँ पे मार्कशीट दबाई है, मम्मी को नहीं पता चलना चाहिए। अरे तू टेंशन मत ले भाई, मिल गया संडिलोमीटर। इधर दिखा। अब इसे हम तोड़ देंगे। रुको हा? तू तो वही आदमी ना जिसने वीडियो की स्टार्टिंग में मेरी वीडियो हटाई थी। तुम्हारा हो गया हो तो मैं वापस जाऊँ गेम खेलना। हाँ हाँ पफ तू जा। तू कौन है बुरे आदमी? है सूजन वॉकिनोकी? अब तो तू गया। तो तुम मुझे यहाँ पर मारने के लिए लेके आई हो? वेट लेकिन ये जगह देखी देखी लग रही है। ये तो वो फादर वाली जगह। वो तो वो फादर तुम ही थी? वेट ये सब चीजें रिपीट हो रही है, मगर क्यों? वाओ कितना मस्त शॉट है यार, स्टोरी लाइन में कितना सही ट्विस्ट आया। देखा दोस्तों इसी प्रकार के शॉर्ट्स के बारे में मैं लास्ट में बताने वाला था। इस टाइप के यूट्यूब शॉर्ट्स को तो हमें प्रमोट करना चाहिए। यो सो इस वीडियो के लिए बस इतना ही, और मुझे नहीं पता ये वीडियो कैसा परफॉर्म करने वाली है, बट स्टिल अगर तुम लोग को ये वीडियो पसंद आती है तो लाइक करो। इस बार मैं कोई लाइक एम नहीं रख रहा। कमेंट करके बताओ अगर तुमने भी Pawn Stars देखा है तो, और अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो। इस वीडियो का एक स्क्रीनशॉट लो, उसको अपने इंस्टाग्राम स्टोरीज में लगाओ, मुझे टैग करो और मौका पाओ मेरी अगली वीडियो में एक प्यारा सा शाउट आउट पाने का। एंड इन दिस वीडियो शाउट आउट टू क्रेजी अभिक्स, एंड मैं मिलता हूं तुमसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।